एवरीबॉडी दिस इज सागर, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो गाइस आज मैं आया हूँ करोल बाग और मैं यहाँ पे आया हूँ अर्बन क्रूजर में लाइटिंग का काम कराने, मतलब एम्बिएंट लाइट वगैरह। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम आए हैं अभी यहाँ पे ग्रैंड ऑटो म्यूजिक एम्पीरियर में, और यहाँ के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स वगैरह ऐसे काम कराते हैं। वन ऑफ द माई फेवरेट यूट्यूबर विकास जैन, एक्सप्लोर द अनसीन 2.0, उन्होंने रिसेंटली अपनी कार का यहाँ से काम करवाया है और मेरी चीज़ें जी उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये उनकी कार है और उन्होंने बोला कि यार मैं काम कराऊंगा तो एक बार यहाँ पूछ लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे हमारे प्राइस में अच्छी डील मिल जाए, तभी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो अभी इससे पहले हम एक शॉप पे गए थे, वहाँ पे उनके पास सामान नहीं था, तो इस वजह से वहाँ से हम आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ होपफुली हमें सामान सारा मिल जाएगा। फाइनली गाइस गाड़ी काम स्टार्ट हो चुका है, तो ये निकाले जा रहे हैं अभी। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट होगा जो यहाँ पे लगाई जाएगी और यहाँ पे आएगी पूरी एम्बिएंट लाइट, वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देंगे। और फिलहाल तो बस अभी दरवाजे खोले जा रहे हैं। यहाँ पे गाइस ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगाए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइट लगाई जाएगी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो लगती है, वो अभी देखना है कि वो किस टाइप की पसंद हमने करी नहीं है, अभी वो जाके अंदर पसंद करना है। फिलहाल तो अभी रिफ्लेक्टर और एम्बिएंट लाइट का दिया है, दोनों का काम स्टार्ट हो चुका है। अभी फिलहाल क्या दरवाजे खोले जा रहे हैं ताकि उसमें एम्बिएंट लाइट लगा सके और आगे फर्दर काम का स्टार्ट करा सके। और साथ ही साथ हमने ये सोचा है कि हम ना इस गाड़ी के जो ट्विटर है वो भी चेंज कराए, क्योंकि ये जो पुराने वाले ट्विटर थे ये एक्चुअल में ख़राब हो गए, जाए चले नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही लगा दिए थे, तो ये ट्विटर भी चेंज होंगे फिलहाल इस गाड़ी में। वैसे हमने गाड़ी में दो तीन काम पहले ही करा दिए, जैसे कि हमने फ्लोरिंग करवा दी थी ऑलरेडी गाड़ी के अंदर, ये आप देख सकते हैं ये फ्लोरिंग हो रखी है गाड़ी में। और साथ ही साथ हमने स्टेयरिंग को रैप भी करवा दिया था, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन में आ रहा है, वहाँ पे आ जाके चेक कर सकते हैं। ये दो काम हमने ऑलरेडी पहले इसमें करा दिए थे। अभी सीट कवर हम देख रहे हैं कि सीट कवर हमें लगाना है या नहीं लगाना है। वैसे तो जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को तो रॉ जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है कि कोई सीट कवर लगाना चाहता है कोई नहीं लगाना चाहता। अपनी गाड़ी में करवा कौन कौन सा काम रहे हो? एम्बिएंट लाइट्स, हेडर लाइट, रियर बम्पर डिफ्यूजर और रिफ्लेक्टर लाइट। सब एकदम अंदर और बाहर से मस्त चमचमाती गाड़ी बाहर लग रहा है अभी नहीं, अभी अंदर लग रहा है ये वाला एम्बिएंट लाइट है ना, छोटा सा काम है, मतलब अंदर से सिर्फ एम्बिएंट लाइट है, बाहर तो काफी कुछ है। हां चलो बढ़िया है, रियर लुक इनहांस हो जाएगा, फ्रंट लुक तो ऑलरेडी अच्छा है। अगर मेरे को आपकी गाड़ी में सक्सेसफुल दिखा तो मैं अपनी गाड़ी में एक्सपेरिमेंट करेगा फिर। सक्सेसफुल नहीं है। चलिए चलिए आप जल गई, अच्छी तो लग रही है, मस्त मस्त लग रही है, मज़ा आ गया, मज़े ही मज़े आ गए अब यहाँ पे। और अभी यहाँ पे हम कुछ क्रोम्स वगैरह ये लगाएंगे, क्या कहते हैं इसको, डोर हैंडल पे क्रोम जो होते हैं, डोर क्रोम, हैंडल क्रोम, हाँ वही डोर हैंडल क्रोम तो ये लगाएंगे। और साइड पे जो ये होता है यहाँ पे भी क्रोम लगेंगे, क्या कहते हैं इसको जो आप एक लगा रहे हैं बिल्डिंग पे जो होते हैं, विंडो क्रोम, गार्निश क्रोम भी कहते हैं इनको। ऐसे अच्छा सही लग रहा है। सामने एक ये लगाइए लाइट है और ये लगाइए, ये लग के आती है ये तो भाई लग के आई थी, इसे कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन अच्छा लग रहा है ये थोड़ा सा ऊपर वाला, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम देखा ये लगा हुआ, एक मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इसकी मतलब ये तो मैंने देखा नहीं था, लगती ना वैसे ये भी अलग ही रहेगी। सही है बढ़िया वाली उसके कुछ भी कहो, मेरे को तो भाई एम्बिएंट लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है अंदर से, उसकी तो बात ही अलग आ रही है एम्बिएंट लाइट की। आउटलुक रात में दिखेगा, हाँ आउटपुट रात में अच्छा आएगा, रात को जब चलाओगे ना तो बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ अभी तो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी है ना, इतना ज़्यादा फर्क समझ नहीं आएगा। तो एक फाइनल जो काम हमारा रह गया था वो था डिफ्यूज़र, हमने वो भी लगा दिया गाड़ी के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं, मज़ा आ गया, मतलब अब ये पीछे से बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मैं ना इस गाड़ी को आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा नाइट के अंदर, जहाँ पे ये सारी लाइटें जलेंगी और आप लोगों को पता चलेगा कि इसका लुक एक्चुअल में कैसा आ रहा है अंदर से और बाहर से।
और इसका प्राइस भी मैं आपको तभी बता दूंगा जब मैं इसके रात में सबको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा सीधे सीधा कि क्या क्या चीज़ कितने कितने की पड़ी, सब कुछ एज अ प्राइस के साथ। और ये मैंने सब कुछ लगवाया है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस गाड़ी का पूरा पूरा काम हो चुका है और अभी मैं बिल्कुल अंधेरे में, जैसा आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी की लाइट दिखा सकता हूँ कि कैसी लग रही है। फिलहाल सबसे पहले हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको एम्बिएंट लाइट दिखाता हूँ। तो गाइस दरवाजे पे कुछ एम्बिएंट लाइट हमारी ऐसी लग रही हैं, मैं आपको भी अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर कैसा लग रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इतनी अच्छी लग रही है एम्बिएंट लाइट, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। ये सामने थोड़ा सा ये रोशनी ज़्यादा दे रहा है, अगर मैं इसको ऐसे हाथ रखूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। मेरे को तो यार बहुत सही लगी है, मतलब ये ना कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, ये एक्चुअल रियल लाइफ में ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको पीछे हमने क्या क्या लगाया था। और हाँ, इसका प्राइस मैं बता देता हूँ, ये हमें एम्बिएंट लाइट पड़ी 3000 रुपीज़ की। कंपनी कौन सी थी जीजी वाली? आर डी CRDEE। अच्छा, तो भाई इसको तो भाई थम्स अप है, अच्छी है, मज़ा आ गया। और इसमें हम काफ़ी सारे कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो जैसे हमने बोला इसमें अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। और ये साथ साथ एक वो भी है ना इसमें जो आवाज़ के साथ चलता है, हेलो हेलो हेलो। अब जितने तेज में बोलूंगा ना, ये हर बार अलग अलग लाइट चेंज होती रहेगी और मेरी आवाज़ के साथ चलेगा, शांत होती बंद हो जाती है। तो ये एक नंबर लगा। तो आप देख सकते हो पूरा लुक कुछ ऐसा लग रहा है गाड़ी का। और ये रिफ्लेक्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो रिफ्लेक्टर थे हमने वही यूज़ करे हैं, 750 के पड़े थे। और इनके यार नाइट में जो मतलब कहते हैं ना लाइट, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है और अच्छे भी लग रहे हैं। और काफ़ी सारे अलग अलग अपने आप ही चेंज होता रहता है इसके अंदर। इसके बाद नंबर आता है पिलर लाइट का, जो कि ये है असेंबल्ड है लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी है चाइनीज़ की। अच्छा, अरे कितने के पड़े थे हमें? 2200 का ये पेयर है। मतलब ये ना बिल्कुल यूनिक चीज़ है, थोड़ा ज़्यादा बाहर आता है ये, लेकिन ना अच्छा लगता है। अगर आप पीछे देखोगे तो पूरी गाड़ी की ना, हाँ मतलब अलग ही एक करेक्टर दिखा रहा है गाड़ी का। पहले गाड़ी ऐसी नहीं दिखती थी ये, सिर्फ ये नीचे रिफ्लेक्टर और ऊपर ये लगाने के लिए, बस और कुछ नहीं। और ये गाइस ये था रेयर डिफ्यूज़र, आप देख सकते हो। ये लगाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि इसे लगाने के बाद जो नीचे एग्जॉस्ट है ना वो नहीं दिखता है। आप देख सकते हैं अगर मैं ऐसे भी दिखाऊँ तो वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता था, वो जिसे के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब था। हेड लुक तो इसका अच्छा है ही, पीछे का लुक बनाने के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ये किया है, लेकिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा। ये था हमारा 3300 रुपीज़ का। हाँ, इसके अलावा हमने डोर के अंदर क्रोम लगाए थे, हैंडल क्रोम, और ये गार्निश, क्रोम गार्निश। ये आपको मैंने दिन में दिखा दिया था, नाइट में तो इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे अच्छे तरीके से, लेकिन ये दिन में काफ़ी ज़्यादा जस्टिस कर रहे थे और मैंने आपको दिखाया भी था कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा हमने इन्वेस्ट किया था इन लाइटों पर, ये हमने लाइट चेंज कर दी है, ये ओसवाल की 2 ईयर वारंटी और 350 की पड़ी थी हमें। ये मतलब पेयर है, ये आप चाहे मार्केट से ले सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। और गाइज अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट लुक की, तो यार इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसकी लाइट देखो कितनी ज़्यादा ब्राइट है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइट है, ये नॉर्मल मतलब सिर्फ LEDs चल रही हैं। इसके बाद जो चीज़ है ये हैं इसके फॉग लैंप्स, और फॉग लैंप्स आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है इस चीज़ में, कि बहुत ज़्यादा सही दिख रहा है। इसका मेन लाइट जलाना और ये देखो, और हाई बीम, मतलब फ्रंट से तो क्या ही बात करें, कुछ करने का जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल कंपनी से ही ऐसे आए थे। तो फिलहाल ये सब था जो हमने इसमें मॉडिफिकेशन कराई थी सारी टोटल अब तक की। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस काम में, ये इतने किसी गर्म बर्तन गिर गए, तो इतने से काम में हमें टोटल खर्चा आया 10,800 रुपये का। आप देख सकते हो मैंने एक एक चीज़ आपको बताई, जो जो लगाया उसका प्राइस भी बता दिया, और शॉप मैंने आपको बताई थी कहाँ से हमने काम करवाया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप पसंद आया तो आप समझ सकते हो आपको करना है क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिलहाल तो सीन ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमें रात हो गई इसी गाड़ी काम कराने में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।